हेलो गाइस वेलकम टू जी ऑटोमोटिव आई एम गोर अडवानी एंड आज हम आए हैं फॉर ऑल न्यू ह्यूडा टूसो टूसो ह्यूडा की फ्लैगशिप फाइव सीटर ऐसी हुई है इंडियन मार्केट में जो डायरेक्टली ट्रेवल करती है टू तो कार्स लाइक जीप कंपस सिट्रन सीफा एयर क्रॉस एंड फॉक्स वैगन टिगवान इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको दोनों टू लीटर पेट्रोल इंजन एंड टू लीटर डीजल इंजन मिलते हैं पेट्रोल इंजन के साथ पैर किया जाता है सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक गेर एंड डीजल के साथ एट स्पीड ऑटोमेटिक गेर बॉक्स दो वेरियंट्स में अवेलेबल है प्लेटिनम एंड सिग्नेचर एंड ऑल्सो कम्स विद फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन बट वो सिर्फ टॉप एंड सिग्नेचर एंड डीजल वेरियंट के साथ ही आता है देर आर टोटल सेवन कलर ऑप्शन फाइव सिंगल टोन एंड टू ड्यूअल टोन आज हम बात करेंगे पोलर व्हाइट कलर की ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब चलते हैं और बात करते हैं ट्यूसो की स्टार्ट करते हैं विद द एक्सटीरियर ऑफ द ऑल न्यून टूसो सबसे पहले फ्रंट में आपको जो चेंज मिलेंगे दैट इज यहाँ पे ओवरऑल आपको फाइव डी आर एल्स प्लेस की गई है जो टर्न इंडिकेटर्स है वो यहीं पर है जो डी आर एल है वो इंडिकेटेड है फ्रंट ग्रिल में एंड द फ्रंट ग्रिल कम्स विद ब्लैक क्रोम फिनिश जो हिन्ई का लोगो है वो भी आपको सेम फिनिश में मिलेगा सो इट्स ऑल इंटीग्रेटेड यहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑफ 360 सिक्सटी डिग्री कैमरा क्रोम लाइन रनिंग सिल्वर फिनिश के प्लेट इन द फ्रंट एंड यहाँ पे आपको ऑल्सो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी प्लेस किए गए हैं जो मेन हेडलाइट है दैट इज अगेन एल ई डी एंड कम्स विथ रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे प्लेस है कुछ ऐसा लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट से जो फ्रेंड्स एनडेट की डिजाइन रखी गई अदर कार्स इंडियन मार्केट में ऐसी डिजाइन लैंग्वेज इज क्वाइट डिफरेंट चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल तो यहाँ पे आपको 18 इंच के डायमंडलो प्रोवाइड किए गए हैं जो डिज़ाइन ओवरऑल वो काफी अच्छी है ओ आरबीएम इंडिकेटर्स एंड साइड कैमरा थ्री सिक्सटी कैमरा डोर हैंडल विध रिक्वेस्ट एंसर एंड दिस इज हाउ दाइड प्रोफाइल लुक्स साइड में आपको काफ़ी क्रीजेज एंड लाइन्स मिलेगी जो इसे काफ़ी अपीलिंग लुक प्रोवाइड करती है साइड से साइड से कार काफ़ी इलांगेटेड है एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिलती है सॉर्ट ऑफ सिल्वर फिनिश विद अ ग्लॉस फिनिश ब्लैक फिनिश्ड ओ आर सॉरी रूफ रेल्स पेनानोमिक सन रूफ एंड फिन एंटीना फिनिश्ड इन ब्लैक अब चलते हैं टुवर्ड्स द रियर प्रोफाइल तो रियर में ऐसी कुछ है इसकी ओवरऑल एलईडी टेल लैम्प्स जो कि ओवरऑल कनेक्टेड है यहाँ पे रियर कैमरा ह्यूडाज लोगो बैचिंग ऑफ ट्यूसों यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टर प्लेस किया गया है जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड स्किप्लेट डिजाइन ऑन द रियर ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर साइड अब बात करते हैं हम ह्यून्डसों के बूट स्पेस के बारे में सो यू गेट अ बटन हियर यू जस्ट हैव टू प्रेस इट और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है एज इट गेट्स इलेक्ट्रिक टेलगेट फीचर इतना कुछ है ओवरऑल बूट स्पेस विच इज़ क्वाइट डीप एज बींग अ फाइव सीटर कार यहाँ पे कोई भी सेक थर्ड रोज नहीं मिलती एंड उसी की वजह से बूट स्पेस वो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल जाता है हेलोजन बूट लैम्प यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अब आगे की सीट्स को फोल्ड करने के लिए यू गेट लीवर्स ऑन बोथ द साइड्स यहाँ पे जो प्लेस किए गए हैं यू जस्ट हैव टू पुल दिस एंड एज यू कैन सी द सीट्स ऑटोमेटिकली फोल्ड डाउन एंड जो है वो यहाँ पे भी सेम फीचर मिलता है आपको दिस इज़ अ क्वाइट ग्रेट कन्वीनियंट फीचर जो पार्सल ट्रे वो यहाँ तक ऑल द वे एक्सटेंड हो जाती है एज यू कैन सी यहाँ तक सो यू कैन हाइड ऑल योर लगेज फ्रॉम द सेकेंड रो सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बूट स्पेस ऑफ द यूनिट सो यहाँ पर आपको एक बटन प्लेस किया जाता है जस्ट हैव टू प्रेस दिस एंड द टेल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज डाउन अब चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर एंड बात करते हैं इंटीरियर की अब हम बात करते हैं ट्यूसो के इंटीरियर के बारे में सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट स्टार्ट स्टॉप बटन प्लेस डिया आपको यहाँ पे 10.25 पॉइंट टू फाइव इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इट शोज यू ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द सेंटर जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं एज यू कैन सी इट शोज़ यू यूरिया लेवल एडास कैमरा एक्ूमेटेड इन्फो जिसमें आपको माइलेज एंड ऑल दिखती है एंड अगेन नेविगेशन यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है एंड यहाँ पे डिजिटल टैकोमीटर विथ ऑल द वार्निंग सिग्नल्स अब इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं बाई जस्ट गेटिंग गंग सेटिंग्स एंड देन यूजिंग द ले आउट ऑप्शन या यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं क्लासिक ए क्लासिक बी क्लासिक सी एंड क्यूब जिससे आप इसका ओवरऑल ले आउट चेंज कर सकते हैं लेटेस्ट अंडरस्टैंड हाउ क्लासिक ए जो है दैट शोज यू दिस नाउ एज सुन एज वी टच क्लासिक बी तो यहाँ पर आपको स्पोटी डाइल्स मिल जाते हैं क्लासिक सी में दिस इज आउ इट लुक्स एंड क्यूब में दिस इज आउ इट लुक्स हमने ये सेम फीचर इमंडिया अलगज़ार में भी देखा था दिस वॉज ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बात करते हैं स्टियरिंग व्हील की स्टीयरिंग व्हील लेदर ब्रैड मिलता है आपको लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स वॉइस कमांड मोड एंड कॉल्स के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये डाइल्स एंड यहाँ पे एडास फंक्शंस के ये का लोगो सेंटर में एंड ऐसा कुछ लगता है इसको ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स फॉर वाइपर्स राइट साइड पे कंट्रोल्स फॉर हेडलाइट्स यहाँ पे आपको जो डायमंड कट क्रिस्टल फिनिश मिलती है दैट इज़ गुड अटेंशन टू डिटेल अगेन राइट साइड पे आपको यहाँ पे मेमोरी फंक्शन मिल जाती है ड्राइवर सीट की जो ड्राइवर सीट है वो टेन वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ऑल्सो डोर की बात करें तो आपको चार पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं जो फ्रंट टू है दैट कम ऑटो अप एंड डाउन फीचर कंट्रोल्स फॉर ओ आर वी एम यहाँ पे सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल राइट साइड पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर हेडलाइट लेवलिंग टू ओपन द बूट एंड फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल ऐसी कुछ स्पेस है डोर में वन लीटर बॉटल जिसमें एडिशनल स्टोरेज एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डोर जो ए सी वेंट की डिज़ाइन है वो कंटिन्यूएशन में प्रोवाइड की गई है विच लुक्स क्वाइट गुड अब बात करते हैं इसके इन्फोटेमेंट सिस्टम की इट गेट्स अ टेन पॉइंट टू फाइन्स फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इन्फोटेमेंट सिस्टम जो हमने प्रीवियसली क्रेटा में भी देखा आई ट्वेंटी में भी जो लेआउट है वो एक्जैक्टली सेम है एज यू कैन सी इट गेट्स नेविगेशन एंड ऑल द सेटिंग्स ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर्स एंड जो एडास के फंक्शन हैं वो भी इसी में प्रोवाइड किए जाते हैं अब इसी में इंटीग्रेटेड किया जाता है सारे कंट्रोल्स ए सी के यर आर ऑल द कंट्रोल्स जो सारे कंट्रोल्स हैं ओवरऑल वो टच बेस्ड है कोई भी आपको फिजिकल बटन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता यहीं पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर फ्रंट डिफॉगर एंड रियर डिफॉगर एंड फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर जो काफ़ी यूजफुल हो सकता है ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए दैट इज़ डिफ्यूज़ फंक्शन डिफ्यूज़ फंक्शन कुछ ऐसे काम करता है दैट इज़ को ड्राइवर और ड्राइवर के लिए जो ए सी वेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट उनके चेहरे पर फोकस करते हैं एंड दैट माइट कॉज अनकम्फर्टेबिलिटी टू द को ड्राइवर एंड ड्राइवर एट द सेम टाइम इसी की वजह से ए सी वेंट्स में कुछ पोर्स यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं जिसकी वजह से जो ए सी वेंट्स से हवा आती है दैट जो वो होती है वो फैल जाती है अक्रॉस द केबिन जिससे वो सिर्फ आपके ऊपर कॉन्सनट्रेट नहीं होती एंड एज सुन एज आप ये फीचर ऑन करेंगे आई एम एक्सपीरियंसिंग इट इन द केबिन सो दैट्स अगेन अ गुड फीचर यहाँ पे टॉप के आपको हज़ार लाइट का बटन मिल जाता है ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स ड्यूल कप होल्डर्स यहाँ पर यू एस बी सॉकेट ट्वेल्व वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड अगेन ना यू एस बी सॉकेट यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं टू सेलेक्ट द ड्राइव मोड जैसे ड्राइव मोड हम यहाँ चेंज करेंगे इट शोज़ यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इट कम्स विद फोर ड्राइव मोड्स बेसिकली इको स्मार्ट स्पोर्ट एंड नॉर्मल एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के डायल्स हैं वो भी चेंज होते हैं यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड अब देखते हैं 360 डिग्री कैमरा व्यू जो आपको बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एज यू कैन सी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है ओवरऑल आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो एंटर द होम फ्रॉम यर कंट्रोल यर फॉर ऑटो होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो फ्रंट की दो ड्राइवर सीट है दैट कम्स विथ वेंटिलेटेड फंक्शन ऑल्सो एंड हीटेड फंक्शन ऑल्सो एज यू कैन सी जो फ्रंट की दोनों सीट्स है दैट जो ड्राइवर आमरेस्ट के अंदर स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो क्वाइट डीप अब बात करते हैं की की तो की बेसिकली थोड़ी डिज़ाइन में चेंज है फ्रॉम द टिपिकल ह्यूडाई इसमें आपको फोर बटन्स मिलते हैं लॉक अनलॉक टू तो ओपन द बूट एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप एंड ह्यून्डाई का लोगो ऑन द अदर साइड यहाँ पे ऑटो डिमिंग आर जिसकी फिनिश काफ़ी ओवरऑल अच्छी है यहाँ पे एल ई लाइट्स प्रोवाइड की जाती है आपको दो दिस इज एस फंक्शन एंड यहाँ पे ऑल फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं अब बात करते हैं इसके पेनानोमिक्स सनरूफ की जो इतना कुछ वाइड ओपन होता है सबसे पहले सनशेड खुलता है एंड देन द देनारोमिक सनरूफ दिस इज हाउ मच इट ओपन लेट अस क्लोज यहां पे आपको वन पिंच फंक्शन मिलता है जस्ट हैव टू प्रेस इट वंस एंड वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है जो ओवरऑल इंटीरियर में क्वालिटी मटेरियल्स की यूज की गई है जो फिट एंड फिनिश शर्ट की दैट इज अनमैचेबल इस सेगमेंट में काफी अच्छा इंटीरियर प्रोवाइड किया जाता है एज यू कैन सी दिस इज हाउ द ओवरऑल इंटीरियर लुक्स ओवरऑल ह्यूडा हैज डन अ ग्रेट जॉब इन इट अब हम बात करते हैं ट्यूसा के सेकेंड रो की तो ड्राइवर साइड डोर पे आपको यहाँ ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है इट कम्स विद कंट्रोल्स फॉर पावर विंडो सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल एंड सेम लाइनिंग जो आगे कंटिन्यू की जाती है यहाँ पे छोटा सा स्पेस है टू स्पेस या वन लीटर बॉटल एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल टू क्लोज द डोर जो सीट्स हैं वो सेम लेदरेड फिनिश में आती है यू ऑल्सो गेट अ सेंटर आर्मलेस प्लेस दिया जिसमें आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं थ्री एडजस्टेबल हेड ऑन द रियर अब बात करते हैं सबसे पहले स्पेस की ये बेसिकली फाइव सीटर कार है एंड एज यू कैन सी जो सेकेंड रो में स्पेस है वैन टॉकिंग अबाउट नी रूम एंड लेग रूम वो काफ़ी अच्छा है आगे की सीट मेरी हाइट से एडजस्टेड है एंड एज यू कैन सी जो नी रूम लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है यू ऑल्सो गेट ए सी वेंट्स प्लेसड इन द सेंटर यहाँ पर आपको दो यू एस बी सॉकेट्स मिल जाते हैं अंडरनीथ एज यू कैन सी ऐसा कुछ लगता है ओवरऑल डैशबोर्ड सेकेंड रो से विच लुक्स क्वाइट प्रीमियम ओवरऑल यहाँ तक पेनारोमिक सनरूफ कंटिन्यू होता है इट एंड ऑल द वे हीयर यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक और एक एल ई डी केबल लाइट या रीडिंग लाइट मिलती है सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए ऑल्सो जो कार है वो काफ़ी वाइड है सो थ्री एडल्ट कैन सिट बट लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए श्योर sure नहीं बट थ्री एडल्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर ऑल्सो अगर आप यहाँ पर बैठते हैं लेट मी गो देर एंड एक्सप्लेन इट टू यू जैसे ये सेकेंड रो फर्स्ट रो की सीट ऑल द वे पीछे है एंड आई वॉन्ट टू एडजस्ट दैट तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट देख सकते हैं एज यू कैन सी यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन और सीट आगे जाएगी ऑल्सो आप इसका रिक्लाइन फीचर भी कंट्रोल कर सकते हैं एज यू कैन सी आप दोनों साइमल्टेनियसली भी कंटिन्यू कर सकते हैं सो दैट्स अगेन अ गुड फीचर हमने प्रीवियसली सफारी में बॉस फंक्शन देखा था इट इज़ बेसिकली दैट बट यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर द सीट सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है ओवरऑल एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड रो ऑफ़ दून टूस सो ये था यूड ट्यूशन का वॉक राउंड प्राइस स्टार्ट होती है फ्राम रुपीज़ ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन लैक्स एंड गो टिल रुपीज थर्टी फोर लैक्स थर्टी नाइन थाउजेंड एक्स शोरूम डेली कमेंट से बताइए वॉट आर योर था अबाउट द कार एंड वॉट डू यू थिंक अबाउट इट्स प्राइजिंग क्या ये आपको वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगी और डो यू थिंक इट इज़ अ बिट ओवर प्राइज्ड डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो अगर वीडियोज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच